Yes, good morning students. Today we will come to know about the important towns which are known by their other names, or you can say nicknames, due to some importance of that particular nickname. Let us study, and as we discussed, we should start learning in such a way so that we can recall it in an easy manner. So we will start from eastern side. First of all, we take Dibrugarh. Dibrugarh is a town situated in Assam. Okay, it is known as city of tea. टी सिटी ऑफ इंडिया यू कैन से. यहां असम में बहुत से चाय के बागान हैं, जबकि डिब्रूगढ़ में बहुत ज्यादा हैं, तो इसको टी सिटी कहा जाता है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दार्जिलिंग. इट इज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. इट इज नोन एज द क्वीन ऑफ हिल्स. दार्जिलिंग इज कॉल्ड एज क्वीन ऑफ हिल्स. देन वी टॉक अबाउट मालदा. मालदा इज कॉल्ड एज सिटी ऑफ मैंगोज, क्योंकि यहां से बहुत से मैंगोज का बहुत से देशों में एक्सपोर्ट होता है, और इसको बहुत पुराने समय से इसको इंग्लिश बाजार के नाम से भी जाना जाता है. देन वी टॉक अबाउट आसनसोल. इट इज ऑल्सो इन वेस्ट बंगाल. इट इज नोन एज द लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड, बिकॉज सो मेनी कोल माइंस आर देयर. इट इज नोन एज द लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड यू कैन से. देन वी टॉक अबाउट कलकत्ता. कलकत्ता इज नोन एज सिटी ऑफ जॉय. Then we talk about two important cities in Jharkhand. First is Dhanbad. Dhanbad is known as coal capital of India. Yahan bhi bahut sari coal mines hai. Then we talk about Jamshedpur. Jamshedpur is known as steel city of India. Aapko pata hai Tata ki jo industries hai, steel industries, wo yahi par hai. Then we talk about four important cities of UP. Varanasi. Varanasi is known as the abode of God. गोड का घर कहा गया, इसे हॉली सिटी भी कहते हैं. देन वी टॉक अबाउट इलाहाबाद. इलाहाबाद इज नोन एज संगम सिटी. आपको पता है कि गंगा, यमुना और एक मिथिकल रिवर सरस्वती, इन तीनों का यहां मिलन होता है, तो इसको संगम सिटी कहा गया. दिस सिटी इज ऑल्सो नोन एज द प्राइम मिनिस्टर सिटी, क्योंकि बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स की बैकग्राउंड यहीं से रही. जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदा और चंद्रशेखर, साथ में हम वीपी सिंह को भी कह सकते हैं, इनकी बैकग्राउंड यहीं से रही. देन वी टॉक अबाउट लखनऊ. लखनऊ इज नोन एज द सिटी ऑफ नवाब्स, नवाबों का शहर. देन वी टॉक अबाउट आगरा. आगरा इज नोन एज ताज नगरी. यू नो वेरी वेल ताजमहल इज देयर, और यहां पर एक लाल किला भी, आपको बता होना चाहिए, दिल्ली में जैसा यहां पर भी एक है. यस. देन वी टॉक अबाउट पानीपत. पानीपत इज नोन एज सिटी ऑफ हैंडलूम. Then we talk about Masuri. Masuri is known as the queen of mountains. आपको ध्यान रखना चाहिए, queen of mountain is known Masuri, and Darjeeling is here as queen of hills. Then we talk about Chandigarh, the beautiful city. Then we talk about Amritsar. It is known as the golden city. आपको पता है golden temple है यहाँ पर, सिखों का बहुत बड़ा गुरुद्वारा है. Then we talk about Jaipur. It is known as pink city. जयपुर आपको पता है कि कैपिटल है राजस्थान की. राजस्थान इज द बिगेस्ट स्टेट एज फार एज एरिया इज कंसर्न इन इंडिया. देन वी टॉक अबाउट उदयपुर. उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, और इसको वाइट सिटी भी कहा जाता है. सिटी ऑफ लेक्स, हालांकि कुछ और शहर हैं वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ऑप्शन में जब आपको उदयपुर दिखाई दे तो आप उसको मार्क करेंगे. देन वी टॉक अबाउट अहमदाबाद. अहमदाबाद इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. देन वी टॉक अबाउट सूरत. सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है. सूरत को टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि टेक्सटाइल और डायमंड का बहुत बड़ा व्यापार यहां से होता है. देन वी टॉक अबाउट नासिक. नासिक इज सिटी ऑफ ग्रेप्स, या ग्रेप सिटी कहते हैं. देन वी टॉक अबाउट नागपुर. ऑरेंज सिटी, या सिटी ऑफ ऑरेंजेस. देन वी टॉक अबाउट मुंबई. यू नो वेरी वेल, मुंबई इज कॉल्ड एज सिटी ऑफ ड्रीम्स. मुंबई इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया. मुंबई इज नोन एज ए सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स, और हिंदी में इसे माया नगरी भी कहते हैं. देन वी टॉक अबाउट कोल्लम. कोल्लम इज इन केरला. इसको प्रिंस ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है, और दिस इज द कैश्यू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. यहां से कैश्यू का पूरे वर्ल्ड में व्यापार रहता है, एक्सपोर्ट होता है. देन वी टॉक अबाउट बेंगलोर. बेंगलोर इज नोन एज द आई टी कैपिटल ऑफ इंडिया. बेंगलोर इज नोन एज द सिटी ऑफ साइंस, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की का हेड ऑफिस भी यहीं पर है. और इसके बाद अगर हम बात करें, दिस इज कॉल्ड एज सिटी ऑफ स्पेस एज वेल, क्योंकि इसरो का हेड ऑफिस भी यहीं पर है. ओके, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी इसे कहा जाता है. देन वी टॉक अबाउट पुडुचेरी. दिस इज कॉल्ड एज द पेरिस ऑफ द ईस्ट. चेन्नई, दिस इज कॉल्ड एज द कैपिटल, हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया. ऑटो हब ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है. तो
these are 23 or 4 important towns you should learn and write. And later on we will also discuss few other important towns, but these are quite important, usually asked in the examination. बट पहले आपको मैप में अच्छे से लोकेशन को देखना है, लोकेशन को समझने के बाद ही हमें इसे नोटबुक्स में नोट करना है. थैंक्स अ लॉट.